अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 13 अप्रकाशो अपर अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनन्दन हरे कृष्ण पढ़िए अप्रकाश अप्रवृत्त च प्रमद मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन हरे कृष्ण अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस पढ़िए प्रभु जी लोगों में से और कोई पढ़ेंगे संतोष प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन हरे कृष्ण माधव जी हरे कृष्ण प्रभु जी यस पढ़िए अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तस्मितानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन मीन केतन प्रभु म्यूट कर लीजिए मुकेश को म्यूट बहुत आवाज आ रही है ओके और कोई पढ़ेंगे प्रभु जी लोगों में से नो वन ठीक है माता जी यस नमन प्रभु हरे कृष्ण प्रभु यस पढ़ी मत हरे कृष्ण प्रभु जी अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरु नन्दन वेरी गुड हरे कृष्ण प्रभु जी अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरु नन्दन हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन हरे कृष्ण प्रभु और कोई पढ़ेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी और कोई पढ़ेंगे अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन हरे गुड हरे कृष्ण प्रभु जी शब्दार्थ अप्रकाश अंधेरा अप्रवृत्ति ही निष्कृता च तथा प्रमाद बोलिए प्रमाद पागलपन मोह मोह एवा निश्चय ही च भी तमसी तमोगुण एतानी ये जायन्ते प्रकट होते हैं विवृद्धे बढ़ जाने पर कुरुनंदना एक कुरुनंदन होगा यहाँ पे सच छूट गया नहीं लास्ट में क्या हे
हे गुरु पुत्र। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं क्या जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरु पुत्र अंधेरा जड़ता अंधेरा जड़ता प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके ठीक है तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोगों को याद है गुणों का प्रभाव कि किस प्रकार से कौन सा गुण बढ़ता है और कौन सा गुण घटता है किस प्रकार से यह होता है उसी को डायग्नोस करने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है। भगवान उसके विषय में बता रहे हैं ठीक है तो थोड़ा संस्कृत देखने का प्रयास करते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अंधकार में होता है वह और अप्रवृत्तिश्च मतलब कोई कर्म नहीं करना होता वो बोल नहीं करूंगा मैं। प्रमादो पागलपन कुछ नहीं पता होता है कि करना क्या है। मोह एव च मतलब उसे मोह भी बहुत होता है ठीक है मतलब जैसी वस्तुएं हैं उसको ऐसा वह नहीं देख पाता है। इस प्रकार से चार हो गए क्या क्या अज्ञान कर्म नहीं करना और प्रमाद हाँ कुछ भी करना पागलपंती करना और वो मतलब जो वस्तुएं जैसी है उसको वैसा नहीं देख पाना छम मतलब उल्टा ही देखता है वो। तमश्यतानि जायन्ते यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है तमशी बोले तो तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। विविरिद्ध कुरुनंदना ये कुरुनंदन जब यह तमोगुण बढ़ता है तो यह सब उत्पन्न होता है और यह सब दिखाई पड़ता है। ध्यान रखना चाहिए यह सब उत्पन्न होता है और दिखाई पड़ता है ठीक है। एक बार पुनः मैं आप सबको थोड़ा हम लोग एक बार रिपीट करें कि भाई सत्व गुण के तीन लक्षण क्या क्या देखे थे। आबिश प्रभु टेल मी फर्स्ट आप ही का नाम पहला पकड़ाया बताओ आबिश प्रभु कैन यू हियर मी और नॉट प्रभु जी ज्ञान स्वास्थ्य और सुख ज्ञान स्वास्थ्य और सुख। चलिए अब रजोगुण पे चलते हैं ठीक है। रजोगुण कौन बताएगा चांदनी माता जी याद हो गया चांदनी माता जी याद हो गया नो रिप्लाई मतलब याद नहीं हुआ ठीक है। चेताली माता जी चेताली माता जी याद नहीं है। जया माता जी याद है अरे प्रभु जी इच्छा और खूब काम करने की इच्छा भोगों की इच्छा और काम करने की इच्छा हाँ भोग करने की इच्छा और कर्म करने की इच्छा है ना। और एक था क्या इस जगत में महान बनने की इच्छा ठीक है ओके इस जगत में महान बनने की इच्छा ओके ओके और आज ठीक है और एक लास्ट बच गया लास्ट कौन सा बच गया तमोगुण कौन बताएगा सृष्टि माता जी कैन यू हियर मी आवाज आ रही है सृष्टि माता जी संतोष प्रभु क्या सृष्टि माता जी बताइए हरे कृष्णा प्रभु जी यस माता जी बताइए तीन गुण तमोगुण के तीन लक्षण तमोगुण में तामसी जो रहता है जो प्रवृत्ति उसका जो सबसे ज्यादा
तीन गुण बताए थे वो तीन लक्षण क्या रहते। हाँ हाँ बताए थे, अभी तो थोड़ा सा बिजी चल रहे थे, गेस्ट लोग आए हुए हैं। ओके ठीक है, सुन रहे हैं, कान में आवाज जा रहा है। ओके ठीक है, रितु माता जी आप बताना चाह रही है, बताइए। हर्ष है वहां पे, हर्ष को बताने दीजिए या फिर आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हर्ष बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, तमोगुण के तीन लक्षण आलस निद्रा और प्रमाद। आलस्य निद्रा और प्रमाद, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, इस प्रकार से ये तीन गुण तमोगुण के। ओके, बहुत साधारण सी बात है। पुनः मैं एक बार आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, ध्यान रखिए, इससे आप अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं। पहला, सत्वगुण के तीन लक्षण क्या क्या? सुख, ज्ञान और स्वास्थ्य। रजोगुण के धन उपार्जन करना, बहुत ज्यादा धन पैसे कमाने की इच्छा। दूसरा, समाज में मान सम्मान की इच्छा। और तीसरा, भोग भोगने की इच्छा। ठीक है, तीन हो गए। बहुत अधिक कर्म करने की इच्छा, महान बनने की इच्छा और एक भोग भोगने की इच्छा। तमोगुण का आलस्य, निद्रा, पागलपन, प्रमाद। ठीक है, इस प्रकार से तीन, तीन तिया नौ, थ्री थ्रीजा नाइन, नाइन लक्षण हमने सिखाया यहाँ पे। ठीक है, तात्पर्य देखते हैं, शब्दार्थ देखते हैं, अनुवाद देखते हैं फिर से। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। ठीक है, गीता भूषण टीका। अप्रकाश अर्थात ज्ञान का अभाव, मतलब वस्तुओं को यथावत देखने की शक्ति और इसकी नितांत अभाव को अप्रकाश कहा जाएगा। नितांत अभाव है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है उसे, होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे हम लोग किसी अंधेरे कमरे में होते हैं, बंद हो जाते हैं, तो क्या होता है, जो वस्तु में होती है वह नहीं दिखती है। ठीक है, जो वस्तु जैसी होती है वह नहीं दिखती है, लेकिन जो नहीं है वह दिखती है। ठीक है, जैसे हमने चर्चा किया था कि भाई कमरे में सर्प नहीं है, लेकिन सर्प का आभास होगा, सर्प का डर होगा, लेकिन कमरे में गुलाब जामुन है तो उसकी खुशी नहीं होगी। ठीक है, तो जो वस्तु जैसी है वैसे नहीं दिख पाती अंधकार में। अप्रवृत्ति ही अर्थात शास्त्र अविहित विषयों को ग्रहण की प्रवृत्ति और विहित क्रियाओं को करने के प्रति विमुखता। तो क्या कह रहे, अर्थात शास्त्र अविहित, समझिए, शास्त्र अविहित विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, मतलब जो शास्त्र निषेध कर रहा है वो बोलेगा भाई यह बिल्कुल नहीं करना है, उसको वह जरूर करेगा। लिखा गया है शराब नहीं पीना है, लेकिन पिएंगे है? मांस नहीं खाना है, लेकिन खाएंगे। बोलेंगे कहां लिखा है जरा बताओ, तो कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है ऐसा, जरा दिखाओ, मुझे दिखाओ कहां लिखा है ऐसा। वो तर्क करेगा, कहीं नहीं लिखा है ऐसा, उस प्रकार से बोलेंगे। लेकिन भाई लिखा है ना, शराब पियोगे तो रौरव नामक नरक में जाना पड़ेगा, लिखा है ना, लेकिन नहीं मानता है। अरे कुछ नहीं है यह स्वर्ग नरक, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, सब यही है। ये सब ध्यान देना होगा कि यह सब तमोगुण के कारण है। जो शास्त्र में जो लिखा है उसका वह उल्टा करेगा, वही करेगा जो उसके मन में आएगा, वह उल्टा ही करेगा, है ना। शास्त्र की बातों को नहीं मानेगा, ये तमोगुण का लक्षण है। और आज आप यह तमोगुण का क्या कहते हैं, एकदम मतलब बड़ा जोर शोर से प्रचलन है भाई तमोगुण का, और लोग इसे चाहते हैं, ओ माय गॉड आई एम मॉडर्न, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ। क्या खाक प्रगति कर रहे हैं, ये प्रगति नहीं, ये दुर्गति की ओर जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को, यह दुर्गति की ओर हम लोग जा रहे हैं, प्रगति नहीं है यह, ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का कार्य या प्रगति नहीं है, दुर्गति है। हम लोग किस दुर्गति की ओर जा रहे हैं हमें पता भी नहीं है प्रभु, पता भी नहीं है। शास्त्रों को ना मानना, आज जो समाज में आप देख रहे हैं ना, इतना उत्पात, कम उम्र में शरीर का मतलब व्यक्ति व्यक्ति का कम उम्र कम हो जाना, इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे उत्पात, इतने सारे डाइवोर्स,
माता पिता बच्चे सब में लड़ाई क्यों हो रहा है? शास्त्र नहीं मानने के कारण। जिस घर में शास्त्र के अनुसार से कार्य हो रहे हैं आप वहां देखिए, वहां पर इस प्रकार से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम शास्त्र नहीं मानेंगे तो क्या होगा? उत्पात होगा ही होगा, और उत्पात के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। और विहित क्रियाओं को करने के प्रति विमुखता, जिसका कारण प्रमाद होता है, जो बोला गया है उसको नहीं करेंगे, जो मन करेगा वही करेंगे। भाई रोज सवेरे उठो, जप करो, भगवान का प्रसाद खाओ, जप करो, तो इसको बिल्कुल नहीं करना है। यह सब होता है। प्रचार करते हुए आपने देखा होगा कि किसी को बोलो कि भाई हरे कृष्ण करो तो वह नहीं करेगा, मन ही मन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तमोगुण की बहुत वृद्धि है, बहुत विकास है उसके अंदर तमोगुण। ये जो बात बोलता है ना कि मन ही मन कर लेते हैं प्रभु जी, हाँ माला वाला नहीं पकड़ेंगे प्रभु जी, मन ही मन कर लेंगे। ध्यान देना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर तमोगुण भयंकर मात्रा में बढ़ा हुआ है, भयंकर, ड्रेडफुल, एकदम कूट कूट के भरा पड़ा है। समझ रहे ना? हम लोग प्रचार करते हैं और प्रचार करते वक्त आप पाएंगे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं अरे, हम कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र करो, एक माला जप करो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं हम नियम में नहीं बंधेंगे, हम मन ही मन कर लेंगे। इसका मतलब है कि उसके अंदर तमोगुण एकदम बढ़ा हुआ है, एकदम बृहद बढ़ा हुआ है, बहुत भयंकर वृद्धि की हुई है। ठीक है, फिर अब कहोगे तो फिर वो मानेगा नहीं, तो क्रिया प्रयास करेंगे, ठीक है धीरे धीरे करके होगा। अभी कुछ प्रसाद लो तो उसे प्रसाद दे देना चाहिए। इस संबंध में प्रभुपाद जी के एक शिष्य बहुत सुंदर कहते हैं, किन लोगों को प्रचार कर रहे थे इस विषय में कहते हैं कि श्रीला प्रभुपाद देखिए कैसे लोगों को प्रचार कर रहे थे। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तब शिष्य लोग क्या सोचते हैं श्रीला प्रभुपाद के, स्वामी जी शरीर नहीं आत्मा है लेकिन हम लोग शरीर हैं, ऐसी स्थिति थी। महाराज बार बता रहे थे कि गांव में प्रचार कर रहे थे तो देहात्म बुद्धि होता है ना, देहात्म बुद्धि तो बोल रहे थे देहात्म बुद्धि होती है, ये नहीं होना चाहिए, बीमारी है, मूर्ख है, इस प्रकार का। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, महाराज खाली ये जो मैंने क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं ये जो अज्ञान की बात कह रहे हैं आप, देहात्म बुद्धि मैंने खाली देहातियों को होता है क्या, शहरियों को नहीं होता है क्या? महाराज बोले अरे देहात्म बुद्धि आप कह रहे देहात्म बुद्धि केवल देहात्म बुद्धि कहते हो, अरे देहात्म बुद्धि क्या, धर्म में भी होता है। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि वस्तु कुछ भी बोल सकता है। अर्थात हाथ में स्थित वस्तु का बोध ना होना, है ना, होता है ना, आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग चश्मा पहन लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं और ढूंढते रहते हैं, अरे कहाँ गया मेरा हेलमेट, अरे कहाँ गया मेरा चश्मा, ढूंढते रहते हैं। तो यह किसके वजह से होता है? तमोगुण की वजह से होता है। इन अटेंशन, हम कहते हैं ना कि जप में मन नहीं लग रहा, जप में मन नहीं रहा, लेकिन फिर भी जप करते रहना चाहिए, धीरे धीरे करके प्रगति होगा। ठीक है, अभी अटेंशन नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके अटेंशन आ जाएगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जयति जयति नामा नंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियतनम कथमपि अपि शक्रियतम शक्रितात्मा मुक्तिदं प्रीणायम परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। जयति जयति नामानंद रूपं मुरारे विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा दियतनम कथमपि शक्रितम मुक्तिदं प्रीणायतम परमम जीवनम भूषणम मे। कथमपि, कैसे भी उच्चारण करिए मुक्त हो जाएंगे। तमोगुनी हो, रजोगुनी हो, सतोगुनी हो, जो कुछ भी हो, जप करते रहिए धीरे धीरे करके हरिनाम अपनी कृपा से आपको ऊपर उठा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और मोह का अर्थात मिथ्या अभिनिवेश होता है, मतलब शरीर में आत्मा बुद्धि, देहात्म बुद्धि, है ना, देहात्म बुद्धि, समझ रहे हैं,
शरीर में आत्मबुद्धि होता है, मैं यह शरीर हूँ यह मोह होता है, और शरीर से वस्तुएं जो हैं वो मेरी है, इनको मैं भोगूंगा, किसी को नहीं दूंगा, है ना। तो ये लक्षण क्या हो गए, तमोगुण के लक्षण हो। तो इन लक्षणों को, इन लक्षणों से समझना चाहिए कि तमोगुण क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण, कह रहे हैं जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के। ये तो आपने देखा ही होगा, तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करना चाहता। प्रभुजी आप दो माला करिए। नहीं प्रभुजी, हम नियम में नहीं बनना चाहते, मन ही मन कर लेंगे। हम नियम में नहीं बनना चाहते, हम फ्री रहना चाहते हैं, हम तमोगुण से बनना चाहते हैं, लेकिन नियम में नहीं बनना चाहते। ये सब तमोगुण के लक्षण। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं कि हम नियम में नहीं बनना चाहते, और वह बेचारा यह देखता ही नहीं, देख ही नहीं पा रहा है कि हर जगह वह नियम से बन रहा है। नौकरी जाता है तो नौकरी में नियम, 10 बजे से 11 बज गया तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा है? गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक का नियम, दुकान जाते हो तो दुकानदार वाले का नियम, मॉल जाता है तो मॉल वाले का नियम, हर जगह बेचारा नियम से बंधा हुआ है। लेकिन बोला प्रभु जी हम नियम से नहीं बनना चाहते, नियम पालन नहीं करना चाहते। तो ये क्यों हो रहा है, तमोगुण की वजह से हो रहा है। भगवान के आदेश को नहीं मानने की इच्छा, ध्यान रहे, यह घोर तमोगुण के लक्षण है। समझ रहे हैं, भगवान का जो आदेश है उस आदेश को नहीं मानने की इच्छा यह घोर तमोगुण का लक्षण है। प्रभु घोर घोर एकदम प्योर, जिसको तमोगुण कह सकते हैं, एकदम प्योर तमोगुण है ना। यस, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, वह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, यह है तमोगुण के लक्षण, है ना। क्लियर। इन तीनों श्लोकों से हमने क्या सीखा, तत्वगुण से ज्ञान बढ़ता है, रजोगुण से इच्छाएं बढ़ती है, और तमोगुण से तो हम एकदम अज्ञान में ही चले जाते हैं, वैदिक शास्त्रों को समझने की शक्ति भी नहीं रहती। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, और ध्यान रखें कि तमोगुणी व्यक्तियों को कभी भी सुनना नहीं चाहिए। तमोगुणी व्यक्ति या रजोगुणी व्यक्ति को कभी भी भूल से भी नहीं सुनना चाहिए, उनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम देम। और यह व्यक्ति हमारे आस पास चारों ओर मंडराते रहते हैं। आप घर में हो तब भी, टीवी खोलो तब भी, यूट्यूब खोलो तब भी, फेसबुक खोलो तब भी, ट्रेवल करो तब भी, कॉलेज जाओ तब भी, ऑफिस जाओ तब भी, बच कर रहना चाहिए। इन व्यक्तियों की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जप के संबंध में इन गुणों के ऊपर, कभी कभी हम लोग जप करते हैं, ध्यान देना चाहिए। कृष्ण जब हम जप करते हैं तो जप के संबंध में इसको बड़ा ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। ध्यान रहे होते ना, मतलब कुछ लोग बड़े तेज गति से हरिनाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जल्दी जल्दी जप करना चाहते हैं तो ध्यान रहे यह रजोगुण की भावना से प्रेरित होता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण, ये क्या है, रजोगुण की भावना से प्रेरित। मतलब लगता है कि कोई रिकॉर्ड बनाना है, टाइम है ना, तो यह रजोगुण के प्रभाव। ध्यान रहे भजन को बड़े तल्लीनता से करना चाहिए, मतलब बड़े आराम से। अब ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल धीमी गति, हे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक एक एक, एक नॉर्मल स्पीड। समझ रहे मेरी बात को, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप हरे कृष्ण महामंत्र को सुन ही नहीं सकते। ध्यान रहे जब हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और वह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभु सबसे महत्वपूर्ण कार्य है,
ऐसा नहीं है कि कोई और महत्वपूर्ण कार्य है जिसको करने के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़ दें। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और किसी अन्य कार्य को करने के लिए इस कार्य को हम या तो हड़बड़ में आकर गड़बड़ कर दें, ये नहीं होना चाहिए, अथवा इसको छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। इस पर परम पूज्य गौर कृष्णदास महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि भाई अगर हम इस कार्य के लिए अन्य को छोड़ देवे अन्य के लिए इस कार्य को छोड़ देवे तो यह ऐसा ही होगा जैसे राजधानी ट्रेन को रोक के लोकल ट्रेन पास करावे। राजधानी ट्रेन समझ रहे हैं, राजधानी बहुत स्पीड से जा रही है, अब उसको रोक दिया गया, साइड कर दिया गया, क्यों? कोई लोकल जा रही है उसके लिए नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको पड़ेगी? राजधानी ट्रेन को पकड़ना चाहिए। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि यह कोई ऐसा भी कार्य नहीं है, है ना, कि भाई हम इसके साथ अन्य कार्य भी कर लें, ठीक है ना, किसी दूसरे या जप करना या क्या, ऐसा कार्य नहीं है कि इसको हम किसी दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। हम लोग करते हैं लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा करते हुए दूसरे कार्य करना, ध्यान दें, ऐसा करना सही नहीं, जबके साथ आप अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देना होगा कि भक्ति जब भी हम जप कर रहा है, जब कोई भक्त साधना कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम प्रयास कर सके हमें प्रयास करना चाहिए, अपना बेस्ट लगाना चाहिए, समझ रहे, और इससे बहुत तीव्र प्रगति होती है, बहुत ही तीव्र प्रगति होती है, बहुत तीव्र। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा गया कि जब नाम इतना शक्तिशाली है, भाई जब नाम इतना शक्तिशाली है तो हमें इसे ध्यान पूर्वक करने की क्या आवश्यकता है महाराज? महाराज बोले कि अगर आप जल्दी प्रगति करना चाहते हैं तो, समझ रहे हैं, अगर आपको जल्दी प्रगति करनी है तो आप नाम को ध्यान पूर्वक जप कर सुनते हुए करने का प्रयास करिए, है ना। ध्यान रहे, आप कानों के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हो तो वह सीधे आपके हृदय में जा रहा है, डायरेक्ट आपके हृदय में जा रहा है, और हृदय में जो कचरा है, जो गुण है, जो अवगुण है, उस सारे को क्या करता है, धो देता है, क्लीन करते जाता है एकदम। तो जाहिर है कि जब हम जितनी अच्छे तरीके से सुनेंगे उतनी जल्दी प्रगति करेंगे, उतना जल्दी क्लीनिंग हो जाएगा। बहुत ही ध्यानपूर्वक एकदम अटेंटिवली सुनने का प्रयास करना चाहिए, और जल्दी जल्दी के चक्कर में ध्यान रहे स्पष्ट उच्चारण नहीं करना। यह सब किसके वजह से हो रहा है? रजोगुण की वजह से हो रहा है, रजोगुण का प्रभाव है। सबसे अच्छा है, इसमें प्रभु जी बहुत सुंदर बताया कि भाई जैसे 2 घंटे लगते हैं तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के चलो, 5 से 7 अगर लग रहा है आपको जप करने में तो आप 15 मिनट एक्स्ट्रा रखो। ऐसा नहीं कि 2 घंटा लगता है तो हम 1.25 घंटा ही लेकर के चलेंगे, नहीं, अस्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम स्पष्ट उच्चारण प्रयास करिए, ध्यान रहे स्पष्ट उच्चारण करें। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति सुबह के समय ही जप करें, ठीक है। क्या आप नहीं देखते हैं कि सुबह मन बड़ा शांत होता है जप करने के लिए, बहुत शांत होता है, और दिन में करेंगे तो यही करेंगे, वही करेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब मन में चलने रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सुबह उठ करके सत्वगुण का अनुशीलन करते हुए भगवान का नाम जप करता है, ठीक है, जो परम शुद्धकारी चीज है उसे वह करता है। ध्यान रखिए जो भी कार्य को आप डेली करना चाहते हैं उसे मॉर्निंग में कर लीजिए, फिर दिन भर में वो नहीं होता। अगर सुबह नहीं उठ सकेंगे, ध्यान रखिए, तो भक्ति करने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी। भक्तों को चाहिए 3-3:30 बजे तक उठ ही जाएं। एनी हाउ आप उसके लिए 9 बजे सो जाइए, 8 बजे सो जाइए, इट्स डजंट मैटर, लेकिन आपको 3-3:30 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक इसको मतलब प्रयास करना चाहिए। इसलिए दीक्षा का नियम भी मालूम है क्या हमें? इस साल
कुछ लोगों ने बोला प्रभु जी हमारी दीक्षा करा दो, हमारी दीक्षा करा दो, नहीं रुक जाओ रुक जाओ। सोलह माला जप करने इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत दीक्षा ले ले, दीक्षा मतलब कि हम उसमें प्रॉमिस करते हैं कि हम सोलह माला अधिक से अधिक ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें हम क्यों कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वह स्थापित हो सके, प्रेम जागृत हो सके, समझ रहे हैं? प्रेम हमारा क्या हो सके, जागृत हो सके। और यह क्या कराएगा, हमारे प्रेम को भगवान के साथ जागृत कराएगा, बहुत सुंदर है। और उसको हमको एकदम अटेंटिवली करने का जरूरत है प्रभु। इस संबंध में सचिदानंद महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भाई कोई डिस्को है और उसमें एक लड़का गया है और वहां पर कोई लड़की है, तो जब तक वह लड़का उस लड़की को बहुत ध्यान पूर्वक नहीं देखता है तब तक उसका उस लड़की के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। बहुत समझाने की इस बात को जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि क्या कहते हैं उसको, अटेंशन है सीड्स फॉर अट्रैक्शन, है ना। अगर हम हरिनाम के प्रति आकर्षण को जागृत करना चाहते हैं, केवल मुक्त मात्र नहीं होना चाहते हैं, हम ध्यान पूर्वक जब हमें प्रेम प्राप्त करना है, केवल मुक्त नहीं हमें प्रेम प्राप्त करना है हरिनाम के प्रति कृष्ण के प्रति, तो हमें बहुत ही अधिक ध्यान पूर्वक जप करने की आवश्यकता है, प्रयास करना होगा। देखिए मैं प्रयास बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ध्यान पूर्वक जप करना यह हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन प्रयास करना यह हमारी क्षमता है। ध्यान पूर्वक जप कराना यह तो भगवान के हाथ में, यह भगवान के द्वारा ही होता है और वह कराएंगे, लेकिन कब? याद करिए दामोदर लीला, जब साधक प्रयास करेगा तब भगवान क्या करेंगे, दूसरी उंगली से कृपा करेंगे। यहां साधक प्रयास ही नहीं कर रहा है, सोया हुआ है, चार बजे पांच बजे छह बजे तक वह सोया हुआ है, भगवान से कृपा की भीख मांग रहा है, कहां से भगवान कृपा करेंगे? साधक का प्रयास, साधक को चाहिए तीन साढ़े तीन बजे उठे, भगवान का नाम जप करे, देखते हैं भगवान, भगवान फिर कैसे नहीं कृपा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भक्त अगर प्रयास करेगा तो ऐसा हो सकता है कि भगवान कृपा ना करें, इट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ध्यान रखिए, मैं ध्यान पूर्वक जप करने की करने का प्रयास करना है, बाद में जप कराना ध्यान पूर्वक या भगवान का कार्य, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और फिर धीरे धीरे करके क्या करते हैं, भगवान अपने नाम के शुभ को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। अगर हम बहुत सारे कार्य करते हुए करेंगे तो उतना रुचि नहीं होगा जप में, होगा क्या? साधारणतः आप सोचिए ना, आप किसी व्यक्ति को बुला रहे हैं लेकिन उसके प्रति फुल्ली अटेंशन है, ठीक है आ जाना, नहीं भाई तुम्हें आना ही पड़ेगा, दोनों में आग्रह में अंतर है ना। आप या फिर आप किसी से मीटिंग हो रहा है और आप फोन भी चला रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा उस व्यक्ति को, ओ ये व्यक्ति झूठ का पकाने के लिए बुलाया है, समझ रहे हैं ना, उस प्रकार से हो रहा है। ध्यान रहे, पुनः बोल रहा हूं, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न ही है, अभिन्न है एकदम, पूरी तरह अभिन्न है भगवान नाम जो है, आप साक्षात कृष्ण है, ये शास्त्र के वचन है। और इन वचनों को सुन करके व्यक्ति को बड़े गंभीरता से नाम जप करने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं? इस प्रकार का फिर अनुभव होना चाहिए। हमें जप ध्यान पूर्वक क्यों करना चाहिए, इसके क्या प्रभाव होते हैं, समझिए इसको, साइंटिफिकली इसको समझिए। आप तो जानते हैं कि हम जीव क्या है, अविद्या से ग्रसित है ना, और अविद्या के कारण हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारा स्वरूप है क्या, कृष्ण के दास के रूप में, और दास मतलब आपका एक संबंध भी है भगवान से उस दास रूप में। अब देखिए ना, अब अपनी माता का स्मरण करें, एक संबंध के अनुसार से होता है, एक पिता का स्मरण करें तो एक मैच्योरिटी, माता का स्मरण करें तो एक प्रेम, दोस्त का थोड़ा स्मरण करने का प्रयास करिए, थोड़ा फ्रीली महसूस होता है, और एक दुश्मन का एहसास करने का प्रयास करिए। दुश्मन कोई हो, उसका नाम लेना हो तो कैसे लेंगे, थोड़ा सा मतलब क्रोध होता है ना, एक एक अनुभव होता है ना, संबंध के अनुसार से होता है।
उसी प्रकार से तो हम अपने संबंध को भूले हुए हैं कृष्ण से, जो हमारा कृष्ण से संबंध है, और वह क्यों? तो अविद्या से। और हमने कई बार बताया है कि भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र अविद्या का निर्वर्तक है, या डायरेक्ट अविद्या के ऊपर चोट करता है और उसको तोड़ देता है, है ना, अविद्या को खत्म करने वाला है, निवर्तक है। मतलब जैसे बुखार है, बुखार का निवर्तक क्या हो गया? पैरासिटामोल खा लो भाई, ठीक हो जाओगे, है ना। आपको नहीं पता है कि वह कैसे कार्य करता है, कुछ लोग प्रश्न करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र कैसे कार्य करेगा, है? बुखार है, आप पैरासिटामोल खाए, वह कैसे कार्य किया आपको पता है? नहीं पता है। आपने खा लिया तो स्वतः क्या किया, वो आपके बुखार को मिटा देगा। वैसे ही आप बीमार हैं और उस बीमारी का इलाज क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र आप अगर जब करेंगे अटेंटिवली, निश्चित है आप दवाई ले रहे हैं तो बीमारी से मुक्त होंगे, उसमें क्या डाउट है? वो डाउट ही नहीं है, समझना पड़ेगा इसको। हम बुखार में तो नहीं पूछ रहे कि पैरासिटामोल कैसे कार्य करता है हमारे शरीर में, कैसे जाके वो पानी के साथ घुलता है, हमारे ब्लड के साथ कैसे फैलता है, नहीं हम प्रयास करने की जरूरत पता करने की प्रयास करते हैं ना। वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र हमारे शरीर में जा रहा है, हमारे हृदय में जा रहा है, हमारे कान के माध्यम से, और यह किस प्रकार से कार्य कर रहा है इसको भी जानने की आवश्यकता नहीं। आप खाली केवल करते रहिए, आपकी बीमारी से आप छूट जाएंगे, हटा देगा आपके प्रभाव को, है ना, हटा देता है। लेकिन जरूरत है कि आप उसको करें, ग्रहण करें। जैसे आपने दवाई को ग्रहण किया ना, वैसे ही जरूरी है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र को क्या करें, ग्रहण करें। और अगर ग्रहण करेंगे तो बहुत जल्दी हटा देगा, गारंटेड है, लिख लो, हटा देगा। अविद्या, अविद्या करती क्या है? अविद्या क्या करती है? हमारी नित्य स्वरूप को कवर कर देती है, कवर कर देती है ना, ढक देती है। तो जब हम बड़ा प्रेम से, बड़ा अच्छी प्रकार से नाम जप करने की प्रयास करते हैं, तो नाम की कृपा से, भगवान की कृपा से अविद्या निवृत्त होती जाती है और हम अपने संबंध को भगवान से क्या कहते हैं, समझ पाते हैं। बहुत लोग, बहुत सारा प्रश्न होता है ना आप लोगों को, प्रभु जी कैसे हम इस जगत में ही अपने संबंध को जान पाएंगे, क्या कहां पे जान पाएंगे, बहुत सारे प्रश्न करते हैं ना आप लोग। आज भी मॉर्निंग में बहुत सारे प्रश्न हो रहे थे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, आप महसूस कर पाएंगे कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद कृष्ण हमारे हृदय में प्रकटित कर, खुद ब खुद करेंगे। इस प्रकार से संबंध स्थापित होगा, आप खुद अनुभव कर पाएंगे, है ना। हम अपने संबंध को भगवान से समझ पाएंगे। अभी हम क्या सोच रहे हैं, हम शरीर के बुद्धि में यह वस्तुएं मेरी है, यह शरीर मेरा है, ये वस्तुएं मेरे शरीर के लिए, मैं इसका भोग करूंगा। लेकिन जैसे जैसे जब अविद्या से अविद्या हटती जाएगी, निवृत्ति होती जाएगी, तो बिल्कुल बिल्कुल ही अपने हम संबंध को भगवान से स्थापित कर पाएंगे। भले वह व्यक्ति भौतिकता में कुछ भी पढ़ा लिखा ना हो, MBBS हो, MTech हो, BTech हो, PhD हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वह अपने संबंध को भगवान के साथ स्थापित कर पाएगा। भक्ति करने से सारे ज्ञान हृदय में उदित होने लगते हैं। ध्यान रखिए, यह एक विज्ञान है, क्योंकि हमारे ज्ञान को ढक के रखा है यह विज्ञान है। हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे, अविद्या को काटेगा, तो विज्ञान जो है सामने आ जाएगा, ज्ञान सामने आ जाएगा। क्या लगा हुआ है, यह हम क्यों बोल रहे हैं, यह इतना जो आज हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम बहुत अच्छे से जप करते हैं, तो यह जो आसक्ति है ना इस जगत में, वह आप गौर करेंगे कि अपने आप कम होने लगती है और कृष्ण में आसक्ति बढ़ने लगती है। जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती जाएगी, कृष्ण की ओर आसक्ति बढ़ती है। समझ रहे हैं ना, तो जैसे आप नाम कर रहे हैं वैसे करिए। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जब बुखार थी, आपको डॉक्टर ने बोला कि भाई 10 ड्रॉप आपको दवाई लेनी है, तो आपने क्या किया, 10 ड्रॉप एकदम अच्छे से काउंट कर करके ध्यान पूर्वक लिया। अब वैसे ही आपको डॉक्टर साहब बोले हैं, श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि आपको 28,000 नाम जप रोज करना है, 16 माला जप करना है और उसको बहुत अच्छे तरह से ग्रहण करना है। तो आपको 28,000 नाम डेली लेना है, 16 माला जप करना है और बहुत अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे से करेंगे, गारंटेड है कि अविद्या से निवृत्त हो जाएंगे आप, और अविद्या से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाएगी। सचिदानंद महाराज कहते हैं इसमें बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, इसको सुनिए। क्या कहते हैं कि भाई जब हमें 2 घंटा नाम जप करना ही है, तो हम क्यों ना अच्छे से करें। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा,
पांच मिनट कम लगेगा, सात मिनट कम लगेगा, और अगर अच्छे से करेंगे तो कितना लगेगा, वही दो घंटा। जब दो घंटा देना ही है तो आप एक बात बताइए कि फिर हम क्यों ना अच्छे से देवें, फिर दिक्कत क्या है, करो अच्छे से करो। अब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं सचिन नंदन महाराज, यहां सुनिए वो क्या कहते हैं। जब मैंने इसे अच्छे से किया तो मैं कृष्ण का हूं, यह भावना स्वतः उनके हृदय में आ गई। स्वभाव से ही मैं समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? स्वभाव से ही मैं समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं, इस जगत का नहीं हूं। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बोलने में तो एक लाइन की बात थी, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भाई हम स्वभाव से ही वह समझ गए महाराज कि मैं इस जगत का नहीं हूं, मैं किसका हूं, कृष्ण का हूं। अब समझ जाएंगे। और जानते हैं एक बात, जब आप यह समझ जाएंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा अपने अंदर। कैसा कॉन्फिडेंट? अब मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, किसी देश में गए हुए हैं, और आपको पता है अरे भाई यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरा अपना आदमी है। कैसा फीलिंग आएगा? कोई देश में गए हैं, अच्छा लगेगा ना? या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट में ही गए और वहां पता चला अच्छा डीसी जो है यहाँ के अपने दोस्त ही हैं, अपने मित्र ही हैं, अपने संबंधी हैं, तो कैसा फीलिंग आएगा? ट्रैफिक वालों से डरेंगे, पुलिस वालों से डरेंगे, पर उस क्या समझ रहे मेरे को, अरे डीसी अपना आदमी है। वैसा समझ रहे, घमंड नहीं, घमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, अहंकार नहीं, प्रेम। कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। परम पूज्य जयपदा का स्वामी महाराज जब क्या कहते हैं, हाँ, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी और कोलकाता में जब रथ यात्रा फेस्टिवल था राधा गोविंद जी की, तो जब वहां पे गए थे तो भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज आपका राधा गोविंद के प्रति बहुत प्रेम है कि आप यहाँ पर आए ऐसी अवस्था में भी, तो महाराज कहते हैं यानी मेरा जितना प्रेम है उससे कई गुना अधिक राधा गोविंद जी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा। ध्यान रखिए, भगवान तो हमसे प्रेम कर ही रहे हैं, समझिए मेरी बात को। प्रेम ऐसा नहीं कि महाराज के प्रति अधिक है और आपके प्रति कम। अब महाराज का ऐसा स्थिति है कि वो अनुभव कर रहे हैं ज्यादा, समझ रहे हैं, वो अनुभव कर रहे हैं, वो कैच कर पा रहे हैं, और हमारी वैसी स्थिति नहीं है। जैसे एक बार मुझे बहुत पहले की बात याद है कि मैं इंटरनेट का कनेक्शन लगवा रहा था अपने घर में बॉम्बे में, तो मैंने बोला भाई ये स्पीड कितना देगा, तो उसमें शायद से 1 Mbps 1.5 Mbps हैथवे का वो दे रहा था मुझे, टॉप स्पीड था। तो बोले देखिए ये स्पीड तो बहुत देगा, 1.5 Mbps का स्पीड देगा, लेकिन डिपेंड है आपके कंप्यूटर पे कि वह कितना इससे ले सकता है। तो उसमें बहुत पुराना कोई प्रोसेसर था मेरे पास, वह उतना नहीं खींच पाता था। प्रोसेसर को अपग्रेड कराया, नया कंप्यूटर खरीदा तो बहुत स्पीड से चलने लगा, समझ रहे। मैं खाली ये बता रहा हूँ हम कितना रिसीव कर पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, हम जितना देंगे उतना मिलेगा। भगवान तो प्रेम कर ही रहे हैं, लेकिन हम बस क्या कर रहे हैं, हम उसे समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अविद्या से संक्रोशित हैं। अतः बड़ी गंभीरता से करें, क्या भोग की बात नहीं, हरि नाम को बहुत गंभीरता से करें, बहुत भक्ति पूर्वक, बहुत ध्यान पूर्वक करें, ताकि जो हमारी बीमारी है वह बीमारी क्या हो सके, ठीक हो सके, भगवान से फिर हम अपने प्रेम का अनुभव कर सके। ठीक है, कब भगवान से अपने प्रेम का हम अनुभव कर पाएंगे, जब हम जप बहुत बढ़िया से करेंगे तब। इसलिए विनंती है कि जल्दी उठिए सवेरे और अच्छे से जप करने का प्रयास, जप करने का प्रयास करिए, बहुत गंभीरता से प्रयास करिए। okay? हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 राम।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. उसे यह घमंड नहीं आने देता है उसे कि अरे